नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आर9 टीवी देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। जेएनयू में रविवार को हुए बवाल के बाद अब छात्र गुट आपस में एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं। इस हिंसा में चोटें आई कई छात्रों को, उसके बाद शुरू हुआ एक दूसरे पर आरोपों का सिलसिला भी। छात्र राजनीति को लेकर कई बार सवाल उठा है, क्योंकि कई बार ये देखा गया कि शैक्षणिक संस्थान सियासी अखाड़े में बदल गए। जी, सियासी अखाड़े के साथ साथ जंग के अखाड़े में बनते दिखाई दिए, और जब जब सवाल हुआ इसका असर देखने को मिला दूसरे शैक्षणिक स्थानों पर भी। ऐसा ही कुछ दिल्ली में हुआ, तो दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के नामी संस्थानों में पुलिस का अलर्ट दिखाई दिया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो, काशी हिंदू विश्वविद्यालय हो, इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, इन तमाम जगहों पर पुलिस का पहरा है, पुलिस अलर्ट मोड पर है। इसमें अलीगढ़, वाराणसी और प्रयागराज पुलिस को किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए अलर्ट किया गया है। आज इसी पर फेस टू फेस होने वाला है। क्या वाकई में शैक्षणिक संस्थान पढ़ाई के लिए हैं, या राजनीति की पढ़ाई के लिए हैं, या दंगल अखाड़े को बनाने के लिए? क्योंकि जिस तरह से जेएनयू में देखा गया छात्रों पर हमला हुआ, लहूलुहान छात्र हो गए, इस चीज के लिए, हंगामे के लिए है? सबसे पहले जो फेस टू फेस में तो मेहमान हमारे साथ रहने वाले हैं, बहुत सियासी बड़े नेता नहीं है, वो भी पढ़ने वाले हैं, कॉलेजों से आए हुए हैं, उनसे आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ प्रभात गुप्ता जी हैं, एबीवीपी समर्थक ये हैं, स्वाति खन्ना जी हैं, लेफ्ट समर्थक ये हैं, क्योंकि एबीवीपी और लेफ्ट समर्थक आपस में एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं। अंधेरा होते ही जेएनयू कैंपस में मचा कहर, कैंपस में रॉड से सिर फोड़ा, हाथ पैर तोड़े। जेएनयू कैंपस में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, एबीवीपी ने लेफ्ट छात्र संगठनों पर लगाया आरोप। हिंसा के बाद जेएनयू कैंपस में लेफ्ट राइट। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक बार फिर हिंसा का मामला सुर्खियों में है। जेएनयू बवाल के बाद उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में अलर्ट है। जेएनयू हिंसा के बाद यूपी में हाई अलर्ट, शैक्षणिक संस्थानों पर पुलिस की पैनी नजर, एएमयू, पीएचयू और इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अलर्ट। यूपी पुलिस ने जारी किया अलर्ट, किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पुलिस तैयार। तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि भारत में छात्र अपने ही संस्थान में कितने सुरक्षित हैं। तस्वीरों के बाद जेएनयू बवाल पर होती सियासत भी आपको दिखाते हैं। एक तरफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने लेफ्ट के छात्र संगठनों एसएफआई, आईसा और डीएसएफ पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप मढ़ा है, तो लेफ्ट छात्र संगठन एबीवीपी पर आरोप लगा रहे हैं। अब जेएनयू में हुए बवाल ने सियासी रुख भी किया है। हालांकि इस घटना की सभी सियासी दल निंदा कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे पर आरोप भी लगा रहे हैं। एबीवीपी की गुंडों द्वारा शिकार हुए हैं, और अभी निश्चित रूप से जो पूरे देश भर में उनके खिलाफ एक आवाज उठ रही, स्वतः स्फूर्त आवाज उठ रही, लोगों ने देखा ना वो इमेजेस। कभी हो सकता है कि मास्क लगाकर आप अपने मुंह को ढककर आप यूनिवर्सिटी कैंपस, और वो भी जेएनयू एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, और इस प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में आप इस प्रकार की गुंडागर्दी करवाएंगे? और ये पूरे तौर पर बीजेपी की है, सरकार की नीति है। वृंदा करात ने इस घटना के लिए एबीवीपी को जिम्मेदार ठहराया, साथ ही बीजेपी पर भी निशाना साधा। अब दिखाते हैं कांग्रेस इस घटनाक्रम पर क्या कह रही है। जिस प्रकार से हिंसा का नंगा तांडव कल जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सरकारी संरक्षण में हुआ, जिस प्रकार से यूनिवर्सिटी के गेट को बंद कर, सारी लाइटें बंद कर लड़कियों के हॉस्टल पर आक्रमण बोला गया, जिस प्रकार से साबरमती हॉस्टल, कावेरी हॉस्टल, पेरियार हॉस्टल और आधा दर्जन और हॉस्टल्स में जाकर गुंडों द्वारा लाठियों, लोहे की रॉडों, शीशे की बोतलों द्वारा
एक एक छात्र को पीटा गया, उनका सर फोड़ा गया। जो आज जो कल शाम को हुआ है, कल जेएनयू में जो हुआ है छात्रों के साथ जो वायलेंस हुई है, 25 लोग घायल हुए हैं और उसमें प्रोफेसर्स भी हैं और छात्र भी हैं। लेकिन सवाल दो तीन उठते हैं। पहली बात तो यह है कि इन लोगों को जो मास्क थे उनकी एंट्री कैसे हुई। अब देखिए बीजेपी के नेता क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए किसी भी जो शिक्षा संस्थान है, कोई विश्वविद्यालय हो या अन्य कोई कॉलेज हो, इस प्रकार के विवाद का कोई औचित्य नहीं है, इस प्रकार के विवाद नहीं होने चाहिए। लेकिन इस घटना की सूचना कल मैं भी देख रहा था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, ये घटना ऐसी घटी है, उसकी जांच दिल्ली पुलिस कर रही है और जेएनयू प्रशासन भी उस पर जो भी कार्रवाई हो कर रहा है। छात्रों को पूरा ध्यान अपना पढ़ाई पर लगाना चाहिए। वर्तमान में जो मैंने जानकारी प्राप्त की है न्यूज चैनल्स के माध्यम से, एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च हुई है। किसी भी संवैधानिक पद पर रहते हुए इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रही हूँ, शैक्षिक संस्थानों को राजनीति का अखाड़ा ना बनाया जाए। इससे हमारे जितने भी छात्र हैं उनके जीवन पर असर पड़ता है, उनकी प्रगति पर असर पड़ता है। मैं आशान्वित हूँ, आशावादी हूँ कि राजनीति का अखाड़ा और राजनीतिक मोहरे की तरह इस्तेमाल छात्रों को नहीं किया जाएगा। कि जेएनयू की स्थिति बहुत ही बड़ी क्रिटिकल दिख रही है, जिस प्रकार से वहाँ हिंसा हो रही है और जो तरीका है हिंसा का, शॉल ओढ़ना, पत्थर जिताना, मुंह बांधना, फिर आना, अचानक अटैक करना, रॉड से मारना, एक प्रकार से आप एक आतंकी कार्रवाई के रूप में देख रहे हैं, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए चाहे जो भी। जेएनयू एसयू अध्यक्ष आयशी घोष हमले में घायल हुई, सिर पर चोट आई। हिंसा में घायल हुए छात्रों को इलाज के लिए एम्स में भर्ती कराया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले, बहादुर छात्रों से डर रहे फांसीवादी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने पूछा, छात्र यूनिवर्सिटी में ही सुरक्षित नहीं। एबीवीपी ने भी एसआईएफ, आईसा और डीएसएफ पर लगाया हमले का आरोप। मौजूदा वक्त में जेएनयू में मानो लेफ्ट राइट चल रहा है, लेकिन शैक्षणिक संस्थानों में होती राजनीति और यहाँ होता बवाल क्या संकेत देता है? शैक्षणिक संस्थानों से राजनीति करने वाले देश की राजनीति में कई मुकाम हासिल करते थे, वो अब बीता वक्त हो चला है। शैक्षणिक संस्थानों को राजनीति का अखाड़ा बनने से रोकना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी। दिल्ली में चुनाव है, क्या इसलिए जेएनयू में तनाव है? क्योंकि दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 8 फरवरी को वोट डालेंगे, 11 को नतीजे आएंगे। लेकिन जेएनयू में जो बवाल हुआ, उस बवाल के बाद सवालों का सिलसिला भी शुरू हो चला है। फेस टू फेस में आज दो मेहमान हमारे साथ हैं। चर्चा की शुरुआत हम स्वाति खन्ना जी से कर रहे हैं, लेफ्ट समर्थक हैं। स्वाति जी, निंदनीय तो है क्योंकि शैक्षणिक स्थान शिक्षा के लिए होते हैं, ना कि किसी राजनीति के लिए, ना कि एक जंग के लिए, जो जंग के अखाड़े में इस देश के विश्वविद्यालय बनते हुए दिखते हैं। क्या कहेंगी आप? सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगी कि आपने कहा है कि इलेक्शंस आने वाले हैं दिल्ली में, तो आप एक बात बताइए, दिल्ली की सरकार आज आम आदमी पार्टी की है। अगर आज दिल्ली में कुछ भी गलत होता है तो जिम्मा इन पे आएगा, तो फ़ायदा किसका है अगर दंगे होते हैं दिल्ली में? तो बीजेपी का है। दूसरी बात, आप कहते हैं कि क्या दंगों का अखाड़ा बना देना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ को, राजनीति नहीं करनी चाहिए? मुझे ये बताइए कि राजनीति कब दंगा थी? राजनीति कभी दंगा थी ही नहीं। और जो हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पढ़ाई कीजिए और राजनीति नहीं कीजिए, तो हम बताएंगे कि हम लॉ के छात्र हैं और हम भी बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं। पर अगर आप कह रहे हैं कि राजनीति नहीं कीजिए, जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इस देश में स्टूडेंट्स का है, उसका नाम है एबीवीपी, तो जो हम पे आप कह रहे हैं वो हमें समझा पा रही नहीं है। तो आप समझाइए कि कैसे आप जो कर रहे हैं उसी का जिम्मा हम पर मोड़ रहे हैं। प्रभात गुप्ता जी, प्लीज। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि जो भी जेएनयू में हो रहा है उसमें छात्र हितों का नुकसान हो रहा है, भविष्य का नुकसान हो रहा है। कभी भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद
इस चीज का समर्थन नहीं करती है हिंसा का, क्योंकि हम लोग स्वामी विवेकानंद के राहों के राही हैं। हम गुलामी के समय में भी कभी हिंसा का रास्ता नहीं अपनाए, हम लोग हमेशा विचारधारा की लड़ाई लड़ते आए हैं। और विचारधारा की लड़ाई में जो जेएनयू में 90% बच्चे जिनको किसी विचारधारा से ताल्लुकात नहीं है, उनको तो कम से कम बख्श दीजिए। अगर आप कहते हैं कि ये राजनीति का अखाड़ा बन गया तो बनाया कौन, इस पर पहले सोचिए आप। अगर हम जेएनयू को देखें तो वहां वामपंथी बाहुल्य क्षेत्र है, हमेशा वामपंथियों का राज रहा है, मेजोरिटी में वो है, तो दंगा कौन करेगा, लड़ाई कौन करेगा? आज तक के इतिहास में मैंने हमेशा जब भी जेएनयू का नाम सुना है, हमेशा यही सुना है कि वामपंथियों ने ये तोड़ दिया, ये फोड़ दिया, राष्ट्रीय क्षति कर दी, ये कर दी, कभी अफजल के वर्षी पे कभी टुकड़े टुकड़े गैंग का भी हावी हो जा रहा है। तो क्या है ये, देश को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप लोग? टीवीपी तो टुकड़े टुकड़े गैंग खुद है। और रही बात आपने क्या कहा, हमेशा से बहुमूल्य मेजोरिटी में वामपंथी रहे हैं ना जेएनयू में, आपने कहा यही कहा ना सर, तो आप ये बात सुन लीजिए कि आज तक ऐसी हिंसा कभी जेएनयू में नहीं हुई, चाहे वो 9 फरवरी 2016 की बात हो। और ये सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन है जो आप लोग, एक जो शैक्षणिक संस्थानों पे कब्जा था वामपंथियों का, सिर्फ और सिर्फ उसका फ्रस्ट्रेशन है। अब वो गढ़ खत्म हो रहा है जो शैक्षणिक संस्थानों में वामपंथियों का कब्जा था, कांग्रेस को जो बौद्धिक खुराक देते थे, अब उनकी राजनीति रही नहीं, ये बौद्धिक खुराक दे पा रहे हैं, बच्चों को टारगेट कर रहे हैं। कम से कम मैं ये अपील करना चाहता हूं R9 से कि बच्चों को, देश के भविष्य को तो छोड़ दीजिए, कम से कम उनके साथ तो राजनीति ना करिए आप लोग। मेरी दोस्त है आयशी घोष, जिसको लगी है, जिसका सर फूटा है। आयशी घोष का एक वीडियो आप जाके देख लो, जो मोप को लीड कर रही है पेरियार हॉस्टल में, और वो लाठी डंडे के साथ उसको कवर किए हुए। अभी तो मैंने आपसे सुना कि आप कंडेम करते हैं वायलेंस को, फिर अभी मैंने बोला कि आयशी घोष को लगी, तो आपको तो बोलना चाहिए था मैं आयशी घोष के साथ हूँ, मैं हमेशा हिंसा के विरोध में हूँ। आयशी घोष के अगर चोट लगी है, उसकी जांच हो रही है, ये गलत है। कभी भी जांच नहीं होती, चोट को तो ठीक किया जाता है। और दूसरी बात, एम्बुलेंस हमने मंगाई थी, एम्बुलेंस में स्टोन पेल्टिंग किसने की? योगेंद्र यादव को मीडिया के सामने कौन से? आप योगेंद्र यादव की बात कर रही है? इतने ऑर्गेनाइज तरीके से आप लोग वहाँ पे बच्चों को मूव करा रहे हो सर, आप इतने अच्छा। अगर घटना घटती है 10 मिनट के अंदर योगेंद्र यादव आ जाते हैं, वृंदा करात आ जाती हैं, पता नहीं कहां से प्री प्लान तरीके से ये अच्छा। लोग दंगा करते हैं वहां पे, बवाल करते अच्छा। हैं। और तो छोड़िए, पूरी राष्ट्रीय जो सरकारी संपत्ति है जेएनयू की, उसको तोड़फोड़ करते हैं, हर जगह पत्थर फेंकते हैं। विद्यार्थी परिषद के 25 से ऊपर कार्यकर्ताओं को लाठी डंडों से सर फोड़ते, किसी का हाथ टूटा हुआ है, और फेक वीडियो। इसका प्रूफ करते हैं ना, आप और मैं एक बात पे समर्थन रखते हैं ना कि कंडेम करना चाहिए, कोई वायलेंस नहीं होना चाहिए, हिंसा का कभी भी करते ना विद्यार्थी, हम साथ में हैं इस बात पे, है ना? हाँ। तो अब एविडेंस दिखाते हैं, क्योंकि आपके ज्यादा चिल्लाने से तो बात सही नहीं मानी जाएगी। जी जी। तो एबीवीपी के एविडेंस के नाम पे ये फेक वीडियो, फेक स्क्रीनशॉट, एविडेंस मेरे पास भी है, इनका वीडियो है पूरा। आप एविडेंस के नाम पे फेक वीडियो चलाइए। अब जब मैं एविडेंस बोल रही थी, आपने मेरे को चुप क्यों कराया? दिखलाइए ना, दिखलाते हैं आप, जाइए उसका जांच कराइए पहले। अरे सर, हम सबमिट करेंगे एडमिसिबल कोर्ट, आप जांच कराइए, आपको आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आपने 2002 भी एक्सपीरियंस तरीके से किया था, और 2020 भी आज कर रहे हैं। बौखलाहट है आप लोगों के हर जगह सर, बौखलाहट तो आप रहे हैं, मैं नहीं रही हूँ। हम सच के साथ है, हम भौखलाते सच के साथ नहीं। देश है। बात, सच के साथ देश है, देश के लोग हैं, देश के लोग हैं, वो देख रहे हैं कैसे देश के टुकड़े टुकड़े के नारे लगाए जाते हैं जेएनयू में, कैसे देश को तोड़ने की और बात की जाती है। सालों को बोलते हैं गोली मारो सालों को, हम नक्सलियों का समर्थन नहीं करते हैं, जो हिंसा में विश्वास रखते हैं, हम नक्सलियों में कभी भी विश्वास रखे ही नहीं। हम लोग तो हमेशा इसी विरोध के, इस विरोध के विचारधारा पे है कि नक्सली कभी हिंसात्मक रूप से कभी फैले। आप उन्हीं नक्सलियों के हिंसा पर जाकर आपको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। मुझे बताइए, आप बोल रहे हैं आप लेफ्ट टेरर है और हम लेफ्ट के बच्चे मरे हैं, तो हम लेफ्ट के अगेंस्ट खड़े और लेफ्ट के साथ खड़े, क्या कहना चाह रहे हैं? के बच्चे मरे जाकर के विद्यार्थी परिषद के 25 जाकर के, जो एम्स मेरे पास एम्स में जाकर के आप देखिए जाकर। अच्छा, 2 मिनट दीजिए, मैं आपको एविडेंस दूंगा। एम्स में जाकर के देखिए 25 विद्यार्थी, मुझे बोलने दीजिए एविडेंस, और नाम लूंगी, शायद ये लेफ्ट के निकले,
नाम लूंगी और ये एडमिसिबल इन कोर्ट मैं भी नाम दे दूंगा अभी सामने और बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनको आप फेक कपड़े पहना करके फेक वीडियो बना करके कपड़े की बात कर रहे हैं मतलब आप कपड़े से पहचानते हैं क्या कपड़ा पहना करके वीडियो रियल पिक्चर अलग और किसका कपड़ा आप जाकर के सांभवी का देखो वीडियो जो तस्वीर शेयर की जा रही है आपकी द्वारा आपकी सोच बताती है 2002 हो या 2020 हो आप एक्सपीरियंस नक्सली हिंसा कौन फैला रहा है वहां पे उसका बेस कौन बना रहा है जाके देश देख रहा है आरएसएस के व्हाट्सएप ग्रुप के हमने एडमिसिबल इन कोर्ट जो एविडेंस है वो कलेक्ट कर दिया और हम क्राइम ब्रांच को देंगे आप डरिए मत आप तो गलत नहीं है ना बौखलाने की जरूरत नहीं है तो फ्रेंड्स ऑफ आरएसएस इनका व्हाट्सएप ग्रुप था जिसमें बोलते हैं प्लीज ज्वाइन दिस ग्रुप अगेंस्ट लेफ्ट टेरर अब पाखंडियों लोगों को मार लगनी चाहिए ये किसने लिखा है इनका नंबर मैं अभी नहीं बोलूंगी क्योंकि आप न्यूज में इनका नाम है योगेंद्र शौर्य भरद्वाज इनकी एक आरएसएस का अभी आर भी नहीं जानते हैं अभी संघ अरे संघ के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते अरे सर सुन संघ कभी इस प्रकार की सीख देती ही नहीं है एक है प्रशांत पटेल हमेशा संघ अनुशासन पर चलता है प्रशांत पटेल हमेशा विवेक स्वभाव और सद्भाव पर चलता है असिस्टेंट प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में जैसे आप हैं क्या नाम है विवेक सिंह उनका है तोड़ दो सालों को एक सेकंड अब एक आते हैं संदीप सिंह जेएनयू एबीपी से बात कर रही हूं कोई एविडेंस नहीं है कोई आपके पास है नहीं ऐसा ये एविडेंस हम सबके सब पीडीएफ बना के कोर्ट में देंगे लॉ की विद्यार्थी हैं आपको पता होना चाहिए कभी भी व्हाट्सएप को कभी कोई वो नहीं बनाया जाता एक और बात जब गलती होती है वायलेंस हो रहा है पुलिस है ना पुलिस को बोलते हैं अंदर जाते हैं सारे दंगाइयों को अंदर पकड़ते हैं कैसे नहीं पकड़ा पुलिस किसके अंदर नहीं गई आप जेएनयू आप जब जामिया में एक प्रायोजित परमिशन की वेट कर रही थी पुलिस जामिया में जब प्रायोजित तरीके से दंगा करवाते हैं आप कुछ विद्यार्थियों के द्वारा तोड़फोड़ कराते हैं तो वहां कहते हैं कि विद्यार्थी कैसे घुस गए अभी और यहां पे कह रहे हैं विद्यार्थी घुस पुलिस घुसी चलिए अब आपने जामिया पे बोल दिया तो थैंक यू मैं आपको बता दूं दो हिंदू की रिपोर्ट आई है कि कोर्ट में पुलिस ने एडमिट कर दिया कि उन्होंने ओपन फायर किया था बच्चों पे और बच्चों की तरफ से नहीं हुआ था सर ये एडमिटेड इन कोर्ट है आप झूठ नहीं बोल सकते कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा आप पे आप लॉयर हैं आपको पता हम लॉयर नहीं हम लॉ स्टूडेंट हैं आपको पता होना चाहिए कि कभी भी न्यूज़पेपर को एविडेंस के रूप में न्यूज़पेपर एविडेंस नहीं है न्यूज़पेपर ने रिपोर्ट किया है व्हाट हैज बीन एडमिटेड इन कोर्ट एडमिट कर दिया पुलिस ने कि जामिया में उन्होंने ओपन फायर किया था और आज पुलिस बोल रही है कि हम परमिशन की वेट कर रहे थे अंदर घुसने के लिए आपको तो ये बोलना ही नहीं चाहिए जो आप बात कर रहे हैं जांच के अभी जांच चल रही है पहले ही आप तो पहले डिसीजन नहीं सुनाया सर फैसला तो आप पहले सुना चलिए प्रभात गुप्ता जी और स्वाति खन्ना जी एक बात का जवाब दीजिए आप लेफ्ट राइट करते रहिए आजकल तो यही चल रहा है विश्वविद्यालयों में बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं लेकिन वहां राइट कुछ नहीं होता सब रॉन्ग होता है हम लेफ्ट राइट नहीं करते सर नहीं नहीं एक बात का जवाब दीजिए वाकई में जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं आप जेएनयू के बारे में बता रही हैं कि वो चाहे 2000 का मामला था 2002 का था 6 का था 10 का था जो भी था क्योंकि पहले मरतबा नहीं है मैं भी लेके बैठा हूं कब कब जेएनयू और शैक्षणिक संस्थानों में इस तरह के बवाल हुए हिंसा हुई छात्रों को चोटें आई प्रोफेसर्स को नुकसान पहुंचाया गया लाइब्रेरी तोड़ दी गई प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाया गया लेकिन शैक्षणिक संस्थानों में बढ़ता इस तरह का हिंसक रूप ये छात्रों का ये क्या कहता है इसके लिए कौन जिम्मेदार है क्वेश्चन मेरे लिए इसका जिम्मेदार सीधा सीधा वामपंथी है कांग्रेस है और ये एक इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से बहुत ही प्रायोजित तरीके से सभी शैक्षणिक संस्थाओं को टारगेट किया जा रहा है और बच्चों में जो मासूम बच्चे जिनको अवबोध है जिनको पॉलिटिक्स की कोई भी जानकारी नहीं है उनको पॉलिटिकल टारगेट किया जा रहा है कि वो दंगों में लिप्त हो इस तरीके के असंतोष इस तरीके से भ्रम फैलाया जा रहा है मैं आपसे और बिल्कुल अग्री करती हूँ यही मैं बोल रही थी बस यही एग्री आपके विचार के लोग अगर कर लेते तो देश में इतनी अशांति नहीं फैलती इंस्टीट्यूशन किसके अंदर में जाकर के देखो 70 सालों से वामपंथियों ने जो कब्जा कर रखा था अब उनकी बौखलाहट अब उनकी साफ साफ दिख रही है कि मासूम बच्चों को टारगेट करके तो वो प्रायोजित तरीके से हर जगह दंगा करवा रहे हैं इस तरीके से करा रहे हैं आपको मैं एक भगत सिंह की बात बताती हूँ उन्होंने कहा था कि माय स्ट्रेंथ इज द स्ट्रेंथ ऑफ द ऑप्रेस्ड एंड माय करेज इज द करेज ऑफ डेस्परेशन पता है कहां लिखा था आरएसएस ऑर्गेनाइजर में नहीं जेल डायरी में हाँ, लिखा था उसमें ये कहा था कि जो जब जब जुल्म होगा जिसके जिसके साथ जुल्म होगा उसके साथ मैं खड़ी हूँ आज लेफ्ट में जुल्म हुआ तो मैं उसके साथ हूँ मुसलमान पे जुल्म होगा तो मैं उसके साथ हूँ कश्मीरी के साथ हूँ तो मैं उसके साथ हूँ
भगत सिंह पे जुल्म होएगा तो आसामी इसके साथ हूं। आसामी के साथ नहीं है, हम भारतीय हैं, भारतीय एकजुट हैं। और अब आप बताइए कि आप कब तक जालिम रहेंगे? हमें भारतीयता के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। आप हमारे साथ खड़े होंगे ये मानने पर कि आप गलत थे जो आप बोल रहे हैं। हम देश के साथ खड़े हैं, पूरा देश की जनता के साथ खड़े हैं। समझाएंगे जो मर्सी पिटीशन दे रहे थे आरएसएस के 1947 के टाइम पे, सॉरी कह रहे थे। आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, जिस भगत सिंह की बात कर रही हूं ना वो भी तो आरएसएस की बात वही करता है ज्यादा इस तरीके की कि जो आरएसएस का आरवी नहीं बोल रहे। अच्छा, आप संघ शिक्षण में जाइए, संघ के लोगों से मिलिए, शाखा जाइए, आपको खुद पता चल जाएगा। सर जी, अनुशासन सर जी, भावना अपने देश के प्रति लगा। देखिए, इन्होंने खुद स्वीकार किया कि इनके घर में आरएसएस में जा चुके हैं लोग। इसकी मतलब एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है आरएसएस की? इससे पता चलता है कि आरएसएस एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसे ही मासूम बच्चों को वामपंथियों ने देश को मरगला करके ऐसे ही दिग्भ्रमित करके उल्टी सीधी चीजें सिखाते हैं। हिस्ट्री के प्रोफेसर होते भी माइथोलॉजी को हिस्ट्री कहते हैं, आरएसएस ऑर्गेनाइजर कहते हैं, एविडेंस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बोलते हैं कि कोमल शर्मा को हम जानते नहीं है, मासूम योगेंद्र को हम जानते नहीं है, संदीप ठाकुर को हम जानते नहीं है, विवेक सिंह को हम जानते नहीं है। ये पता नहीं कहां से आ गए, इनका मैसेज हैक हो गया, इन सबका फोन, इन सबका एविडेंस एडमिट नहीं होगा, जामिया में पुलिस चली जाती है। अरे सर, बौखलाइए मत, आपके पास कोई तर्क नहीं है, आपके पास कभी तर्क रहेगा भी नहीं, आपको लोगों ने समझ लिया है। आप पता क्या करते हैं, आप अंदर घुसते हैं। संदेश देना चाहता हूँ कि गलत फैक्ट, गलत, मैं आपको ये संदेश देना चाहती हूँ कि बात के बाद बर्बाद मत करो, जिससे देश पूरा एकजुट देख रहा है। हम आपसे बर्बाद नहीं होंगे, आपकी तरह तलवारें नहीं उठाएंगे, किताबें उठाएंगे और आपको हराएंगे। इंसान विश्वास नहीं करते, आपको हराएंगे। में बैठे हुए लोग, किताबें पढ़कर आपको हराएंगे। लोग नक्सली हिंसा का सपोर्ट करते हैं, बच्चे हैं, कैंप बना के हम भगत सिंह के बच्चे, किताबें उठा के जा करके चलिए मान लिया, चलिए मान लिया, आप जेएनयू को कैसे देखते हैं? इसलिए जेएनयू का कैंप बना रखे हुए हैं सर। हम आपने मान लिया सर, क्या बात कर रहे हैं? विवेकानंद के अनुयायी हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि टॉलरेंस हिंसा का समर्थन नहीं कर सकते। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि टॉलरेंस आपका बेस फाउंडेशन होना चाहिए और आपने टॉलरेंस को कुछ नहीं समझ रखा। स्वामी विवेकानंद ये कहते थे, स्वामी विवेकानंद ये कहते हैं कि किसी भी धर्म से हो, लोग हो, उनके साथ रहना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ये कहते थे कि लोगों में फर्क नहीं करना चाहिए। बस और यही बात तो आप लोगों को फर्क करके कहते हैं, आपको बांटना चाह रहे हैं। आप सीएए, आप अपनी आप मुस्लिम विरोधी कर रहे हो, मुस्लिम शब्द कुछ है ही नहीं उसमें, कहां मुस्लिम विरोधी है सर? आपको देश को बांटने का काम ये और एक और बात, अमित शाह ने दोपहर में बोला था कि आप दिल्ली में दंगे चाहते हैं और आपने रात को कर दिए दंगे। माहौल बना रहे हैं देश में, पूरा माहौल बना रहे हैं। ट्रूथ चाइल्ड ट्रायम्फ, सत्यमेव जयते, बौखलाहट सत्य हमारे साथ है। बौखलाहट तो आप कर रहे हैं सर, बौखलाइए मत, आराम से बोलिए, मैं कुछ नहीं करूंगी आपको। सत्यमेव जयते, मैं मच्छर भी नहीं मार सकती, आप लोगों को मार सकते हो डंडों से, रॉड से उनके सर फोड़ सकते हो, हम आपको कुछ भी नहीं कहेंगे। एक और बात, ये गलत, कभी भी बदला नहीं लेंगे आपसे, जस्टिस मांगे। जा करके वीडियो देखिए, वीडियो क्या, वीडियो के साथ कवर के साथ दिख रही है, आईसी घोष और वामपंथी गुंडे दिख रहे हैं। अरे देखिए, अभी आईसी घोष का सर फूटा, जा करके विद्यार्थी परिषद के, विद्यार्थी परिषद के, आपने आपको विद्यार्थी परिषद के 25 कार्यकर्ता जो है एम्स में भर्ती है, जा करके देखिए। मैं एबीवीपी से नहीं हूँ, मैं प्यार से बात करती हूँ, आप प्यार से बात कीजिए। हम प्यार से ही बात कर रहे हैं, बात कीजिए प्यार से, हम प्यार से ही बात कर रहे हैं। अच्छा, शांत शांत, ठीक है। देखिए, ऐसे ही लोगों को बरगला करके, दिग्भ्रमित कर करके, और सर आप मेरे से उम्र में भी बड़े हैं, आप तो प्रोफेसर एडी हूँ, मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं आपको कैसे बरगला सकती हूँ, मेरी क्या हैसियत? यही तो हम देखना चाहते हैं, आप हमारे बच्चे की तरह मैं देख रहा हूँ, मैं एक ऐसे स्टूडेंट की तरफ देख रहा हूँ जिसको कैसे लोग मिसलीड कर देते जिसको, चलिए कोई जानकारी, चलिए वक्त समाप्त हुआ, आपने अपने अपने तर्क रखे, लेकिन जिस सवाल का जवाब खोजने के लिए बैठे थे, ऐसा ऐसा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि आप लोगों को बहुत ज्यादा चिंता होगी छात्रों के भविष्य को लेकर, बहुत ज्यादा चिंता होगी पढ़ाई को लेकर, लेकिन नहीं, यहां तो कुछ और ही दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात गुप्ता जी आपका, स्वाति खन्ना जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। 1969 में स्थापना हुई जेएनयू की, 1000 एकड़ में फैला कैंपस है, साढ़े तकरीबन इसमें जिस तरह से शिक्षक हैं, बच्चे हैं, पढ़ने के लिए पहुंचते हैं, पढ़ने के लिए जी हाँ, लेकिन खबर हम क्या दिखा रहे हैं, किसी का सिर फूटा, किसी का हाथ टूटा, और ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है। जंग के अखाड़े में ये शैक्षणिक संस्थान क्यों तब्दील होते जा रहे हैं, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, कोई मानता क्यों नहीं, सोचना पड़ेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आर9 टीवी।